दगड़ियों, पहला कैसा आप सभी लोग, उम्मीद है कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दगड़ियों, मैं विशाल रावत उत्तराखंड अल्मोड़ा से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी फिलहाल दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं, है ना। और बाकी मैं आ रखा हूँ दोस्तों अपने गांव के सभी भाई बहन लोगों के साथ यहाँ पर खेत में, और मेरी मम्मी भी है साथ में, ताई जी भी है, चाचिया भी है ना, बाकी एक दो चाची वहाँ पर ऊपर भी है, ताई जी भी है, यहाँ पर सभी महिलाएं दोस्तों अभी शाम के समय पर खेत में काम करने के लिए आ रखे हैं। और बाकी दोस्तों हम जितने भी गांव के बच्चे हैं, हम आ रखे हैं यहाँ पर खेत में फूल तोड़ने के लिए। और आज है 13 तारीख, कल को है 14 तारीख, तो आज दोस्तों हम फूल तोड़ने के लिए आ रखे हैं क्योंकि कल को है फूल डे। दोस्तों फूल डे का त्यौहार है ना, कल को दोस्तों डेली पूजी जाती है फूल डे के दिन, है ना, डेली को फूलों से सजाते हैं और डेली की पूजा करी जाती है। तो आज शाम के समय पर हम यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए आ रखे हैं और कल को फूल डे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी फिलहाल हमने थोड़े बहुत फूल यहाँ पर तोड़ भी दिए हैं, मम्मी के हाथ में आप देख सकते हैं, एक बार दिखा दो भाई, ये आप देखिए मम्मी के हाथ में दोस्तों फुलदे वाले पीले पीले फूल। इसमें एक गुलाबी कलर का भी रख रखा है बीच में, है ना, ये एंटीना ऐसा खड़ा हो रखा है। और बाकी ये फूल दोस्तों अभी आधे एक घंटे मेहनत करने के बाद इतने फूल अभी मैंने तोड़ दिए, अभी और फूल तोड़ने, जितने तोड़ दिए इतने ही और तोड़ने हैं, है ना। और बच्चे भी यहाँ पर आ रखे हैं फूल तोड़ने के लिए, अभी इनकी पन्नी तो खाली है लेकिन एक एक दो दो पन्नी घर में भर के आ रखे हैं दोस्तों। ये अभी स्कूल भी गए थे बच्चे, तो स्कूल से ही वहीं से तोड़ के ला गए थे रास्ते में ही। हाँ तभी तो फूलों की दुकान खोल रहे हो। ये तू कितनी पन्नी भर के लाया है? दो पन्नी भर गई ना, अब तीसरी पन्नी भरने के लिए आ रखा है। तो ऐसा है, बाकी मेरी तो एक ही पन्नी है ना, लेकिन बच्चों का शौक होता है दोस्तों, है ना, ये फूल दे के समय पर फूल भरने का, पन्नियों में सबका कंपटीशन लगा रखा है कि कौन कितने फूल तोड़ के ले आता है, किसकी कितनी पन्नियां भरती है करके ना। ये बचपन में दोस्तों हमारे साथ भी होता था, अभी भी होता है, अभी भी देखो मैं भी फूल तोड़ने के लिए आ रखा हूँ। तो चलिए फिर आप फूल तोड़ते हैं, बाकी मम्मी लोग आ रखे हैं सभी के सभी यहाँ पर घास काटने के लिए। तो ठीक है, एक बार हंस दो फिर। ये अब तो दांत भी लगा दिए, अब तो हंसने भी शर्म नहीं लगेगी, अब बोल पा रही हो ना अच्छे से। परसों तक जो मैं जी बोल पा रही हूँ, थो ना टकराना जी, है ना, टकरानी अब टकरान फेंगी ना। चलो फिर ठीक है, फिर चलो आप तुम भी घास वास काटो, हम फूल तोड़ते हैं यहाँ से। और बाकी व्यू कितना प्यारा दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप देख रहे हो ये, यहाँ पर इतनी प्यारी प्यारी हमारी गांव की महिलाएं बैठ रखी है, और पीछे इतने प्यारे प्यारे खेत, सीढ़ी नुमा खेत दोस्तों, है ना, नजदीक से देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। सर जो एक बार ये ऐसी हुआ जब है, ये बढ़िया है। हो ठीक चुका है, हो पे आप दांत लाएगी बुढ़िया का हो यो ऐसे हुआ अभी। और दो व्लॉग मेरे फुल डे स्पेशल व्लॉग रहेंगे, एक तो फूल तोड़ने वाला, एक कल फुल डे वाला, है ना। तो बाकी आपको और अपडेट्स भले ही ना मिल पाए, व्लॉग छोटा रहेगा लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और काफी प्यारा, काफी सुंदर व्लॉग रहेगा दोस्तों। आज जैसे मैं खेतों में आ रखा हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद मैं कोशिश करूंगा कि कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे विजुअल्स को मैं कैप्चर करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं हमारे पहाड़ के, है ना, जैसे आजकल हमारे पहाड़ में क्या खेती हो रही है, कैसे खेतों के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप व्लॉग में बने रहिए, ये काफी सुंदर व्लॉग होने वाला है। मेरा पहाड़ पड़ चुका है ये वीरान, मेरे पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है, मेरे पहाड़ों में जन्नत दिखती है। हमारी पहाड़ की महिलाओं के दोस्तों मतलब इतना बिजी डे निकलता है ना, कभी कभार दोस्तों बात करने का टाइम मिल पाता है, वो टाइम मिल पाता है ऐसे खेतों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके ऊपर नीचे खेत होते हैं, फर्स्ट क्लास अपना खेतों में काम भी करते रहो, हाथों को चलाते रहो, पाँव को चलाते रहो और बातें भी करते रहो। यहाँ पर देखो दो जने यहाँ पर बात करने में लगे हैं और दो जने वहाँ पर बात करने में लग रखे हैं, क्योंकि चाची और हमारा खेत साथ में ही है ना, वैसे तो घर में टाइम मिल नहीं पाता मम्मी और चाची को, लेकिन कभी कभार खेतों में जैसे जब साथ में आते हैं तो तभी टाइम मिल पाता है ऐसे बातें करने का भी है। और अभी फिलहाल दोस्तों हम सभी बच्चों ने और मैं छोटे बच्चे ने इतने फूल यहाँ पर तोड़ लिए हैं, है ना, सब आप अपने फूल दिखाओ, अपनी पन्नियों में दिखाओ कितने तोड़ लिए हैं। ये अभी अभी तोड़े दोस्तों हमने थोड़ी देर में ही है, आधे घंटे के भीतर में ही। ये देखो, ये सारू भाई के, ये सोलू भाई के फूल, ये शिवम भाई के, ये अंजू के, ये कऊ के और ये चांदनी के, और बाकी ये मेरे, है ना। तो इतने फूल हमने तोड़ लिए, बाकी एक एक दो दो पन्नी इन सब ने अपने घर में ही पहुँचा दी है अभी तक। हाँ ये टब अच्छा, तो दिन छुट्टी मार रहे इसने, ये तो रत्त बटे को टोड़ बजे आज। मेरे पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर। बाकी दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पर आ गया हूँ मम्मी के साथ में, यहाँ पर मम्मी क्या काट रही है, मम्मी क्यों
क्यों क्यों क्यों काट रही फिर? सब बंदर ने सब नष्ट कर दी। अच्छा अब मतलब इसमें अनाज नहीं लगेगा? आहा, तो अब देखो मम्मी ने इतने सारे गेहूं आज यहाँ से खेत से काट दिए जो बंदरों ने नष्ट कर दिए दोस्तों। अब इसको हमारी माधुरी खाएगी और मम्मी अभी बिजी है कॉलिंग में। ये देखो मम्मी को यहाँ तक अपना मुंह दिखा देगा पूरा। ये भालू, गुलाबी भालू। दर्द हो चुका हूँ मैं हैरान, फर्क सा ये मेरा पहाड़ पड़ चुका है ये वीरान। पहले मेहनत करो खेतों को जोतने के लिए, फिर मेहनत करो बंदरों को भगाने के लिए, फिर लास्ट में मेहनत करो उसको काट के अपने जानवर को खिलाने के लिए। ऐसा हो रहा है दोस्तों अभी के टाइम में पहाड़ों में, आप देख रहे हो लाइव, आपको दिखा भी रहा अपने ब्लॉग के माध्यम से। मतलब आधे खेत के तो लगभग मम्मी ने गेहूं ये काट दिए हैं, है ना। अभी आधा खेत और बच रहा है, वो भी बस काट के चली आएगी मम्मी एक दो दिन में। मतलब जो जो गेहूं मतलब जिनमें बालियां लग रखी थी, ये देखो ये मतलब किसी में तोड़ के आधी बाली कर रखी, किसी में जो पूरी ही बाली तोड़ रखी है ना, फिर उसको मम्मी काट के घर को ले आ रही है। तो बालियों को मतलब तोड़ ताड़ के खा ले रहे हैं ऊपर ऊपर से, वो हरा ये जो रह रहा है, मतलब जो अनाज अच्छे से पका भी नहीं है, मतलब हरे में ही खा के चले आ रहे हैं। तो फिर उनको काटना ही पड़ रहा है, फिर दोबारा तो उगेगा नहीं ना, तो फिर खाली खेत में भी क्या ही करेगा। तो इससे बढ़िया फिर मम्मी काट रही है, किसी के लिए तो हो रहा है कम से कम, तो जानवरों के लिए हो जा रहा है। लाओ ढोल की वो ताल, टूटे हैं पटनों के घर और पड़े हुए हैं जाल, दर भरी लिखावट लिखी मैंने पहाड़ों के इन बारों में, पानी भरने जाते थे हम छुइयों के उन धारों में, मेरे पहाड़ों में पहाड़ों में पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है। कि दोस्तों एक हसार हमारे यहाँ पर भी आ रखे हैं, हमारी प्यारी सी भाभी जी, ये देखिए यहाँ पे। तुम भी क्या ले आ रहे हो, गेहूं को काट के ले आ रहे हो? नहीं, घास निकाल ली इसमें। अच्छा अच्छा, कापा निकाल लो ये। अच्छा ठीक ठीक ठीक, चलो तुम्हारे गेहूं तो अभी सही सलामत है, अभी तक ठीक है, अभी तक तो फिलहाल ठीक है। ये है दोस्तों हमारे गांव का चौकीदार, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों नौकरी करता है। ये देखिए पिछले कई सालों से दोस्तों यहाँ पर ही अपनी चौकीदारी करने में बिजी है। मुझे मेरे पहाड़ों में बीते मेरे दिन देख कई सालों में, जहाँ देखूं आना पल के झुका लूं मैं, पहाड़ों पर ही बस जिंदगी बिता लूं मैं। दोस्तों फाइनली हम सभी लोगों ने फूल तोड़ दिए हैं, ये मेरे तो कुछ इतने फूल हो गए हैं, बाकी औरों के कुछ इतने हैं, मतलब सबके लगभग बराबर ही है। सबसे ज्यादा सारू भाई ने तोड़े अभी, ये देखिए सारू भाई के इतने सारे फूल हैं। तो चलते फिर आप, चलो फिर घर को चले आप, क्या करें आप यहाँ और तोड़ें, चलो ऊपर को ज्यादा ज्यादा तोड़ेंगे फिर, बाकी नीचे के तो खत्म हो गए हैं, ऊपर के कुछ और फूल बचे हैं। बाकी जितनी भी हमारी गांव की महिलाएं यहां पर खेत में आ रखी थी, उन सभी लोगों ने दोस्तों घास भी काट ली है और हमने फूल तोड़ लिए हैं। आप देखो ये इनका पूरा ग्रुप दोस्तों यहां पर बैठ गया फर्स्ट क्लास फसक लगाने के लिए। पहाड़ों में स्वर्ग की छाँव में, हे महादेव आया नंगे पाँव में, मेरा घर जब तेरी ही भूमि पर, तू ही बता मेरे शिवा कहाँ जाऊँ मैं, बस तेरी रूह मुझ में ही बसती है, जहाँ देखूँ वहाँ तेरी ही दृष्टि है, रहना बस मुझे मेरे ही पहाड़ों पर, नाम तेरे मैंने जिंदगी। तो भाइयों के छह बज गए हैं, घर तोड़ लिए और अब हम घर को जाएंगे, घर को जाएंगे और सुबह को हमें स्कूल भी करना है, नहाना भी है, स्कूल भी जाना है। ठीक हो गया, तो चले फिर आप घर को। चलो फिर आप फूल तोड़ लिए हैं दोस्तों, शाम के छह बज गए हैं, धूप भी चले गई है ना, आप जाते हैं घर को, अब हल्का फुल्का ठंडा भी लग रहा है यहाँ पर। जिस मिट्टी में जन्मा हूँ एक दिन उसी मिट्टी में मिल जाऊंगा, पहाड़ियों भुला
किसी से मांग कर नहीं, बल्कि दो रोटी अपनी मेहनत के।